ए भाई आया मुन्ना भाई। स्वामी बाटानंद अपना सलाम खोखरेला। हाँ तो दोस्तों, आपने अभी बाटा भाई को देख लिया है, तो बाटा भाई को देखने का मतलब समझ रहे हैं ना। आज सतीश कौशिक सर से हम लोग मिलने वाले हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि उनसे मेरी पहली मीटिंग है। और इसके अलावा हम मिलेंगे हिमानी शिवपुरी मैम, जो कि अभी उनका सीरियल चल रहा है एकदम मस्त हप्पू उल्टन पुल्टन, और भी बहुत सारी फिल्में और प्रोजेक्ट्स हैं उनके अच्छे, तो उनसे भी मुलाकात है। उसके बाद हमें जाना है राजू श्रीवास्तव जी के घर पे, यानी कि राजू भैया के घर पे। इनकी बहुत टाइम से तबीयत ख़राब चल रही है, उनके छोटे भाई दीपू भाई से भी मिलना है, उनका भी फ़ोन आया था। और उसके अलावा हमें जाना है हाजी अली दरगाह, तो बहुत ही इंटरटेनिंग ब्लॉग होने वाला है, बहुत ही टाइट शेड्यूल है, इतनी मीटिंगें करनी है, घूमना है, तो एंड तक देखिए, मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, देखो एंड तक। हाँ तो राम राम मित्रों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। शिवा चौधरी के साथ साहिल चौधरी, और अभी तो हम फिलहाल अपने मुंबई होटल में रुके हुए हैं। देखो क्या व्यू है, मस्त, पीछे मेट्रो जा रही है। तो साहिल भाई और हम आज फिर कहीं और निकलते हैं, हम जाइए हमारे साथ और देखिए लास्ट तक हमारा ब्लॉग चैनल, बहुत कुछ दिखाएंगे हम आपको। ओके डियर, अब साहिल भाई ने बोल दिया बहुत कुछ दिखाएंगे, तो बहुत कुछ दिखाना पड़ेगा। चलो आगे देखो, फिर मजा लेते हैं मुंबई में। डायरेक्टर राहुल खान भी तैयार हैं फिर से हमारा साथ देने के लिए। लव यू ब्रो, चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं वाइफ ऑफिस, जहां पे हम जब कोई फिल्म बनाते हैं या कोई रियलिटी शो शुरू करते हैं, कोई कंपनी रजिस्टर करते हैं फिल्म प्रोडक्शन की, तो फिर उसमें हमें टाइटल रजिस्टर कराना ज़रूरी रहता है, प्रोफेशनली ये है। तो जहाँ पे टाइटल रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ पे मैं पहुँचने वाला हूँ, और पहुँच गया हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये वो जगह है, ये वो ऑफिस जहाँ पे टाइटल रजिस्टर्ड होते हैं। ये वो फॉर्म होता है जो हमें फिल करना पड़ता है, इसमें टाइटल, कंपनी का नाम और वो सारा कुछ भर के फिल करना पड़ता है। ये पूरा फॉर्म नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं आपको ब्लैंक फॉर्म दिखा रहा हूँ। ये पूरा प्रोसेस होता है, ये फॉर्म होता है, इसे पढ़ो और फिर इसे भरो। तो हमने अभी लुलू मुलू एंटरटेनमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है अभी आज। मित्रों अब हम पहुंच चुके हैं इम्पा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए हम लोग आते हैं, कोई फिल्म वेब सीरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ डायरेक्टर राहुल खान, ये अपनी जो कंपनी है उसे रजिस्टर्ड कराने के लिए हम लोग आए हैं, और बहुत जल्द हम उसका टाइटल जो है पब्लिश कर देंगे जैसे ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। तब तक के लिए ये सीक्रेट है, एक जेन्युइन तरीके से जो हम लोग काम करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूरी रहती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं। ये है देखिए, ये सर सर एक मिनट, ये है यशराज फिल्म्स, बहुत ही पॉपुलर है, सब जानते हैं इसके बारे में, ये स्टूडियो है मुंबई आए और मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव के पास तो सारी गाड़ियां ऐसी देखी हैं लगभग। मुंबई आए और हाजी अली नहीं आए तो क्या फिर आए मुंबई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हाजी अली दरगाह। यहाँ हर रोज न जाने कितने सारे लोग आते हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। जब भी आप लोग इधर आएं मुंबई साइड तो एक बार ज़रूर आएं हाजी अली दरगाह। समुंदर की लहरों के साथ साथ एक सुकून भी है यहाँ पे। मित्रों ये है हाजी अली दरगाह, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे अभी। कितना प्यारा व्यू है,
मैं जब भी मुंबई आता हूँ तो यहाँ जरूर आने का दिल करता है, और आज पहली बार मैं यहाँ पे आके ब्लॉग बना रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। साहिल भाई आ जाओ यार आप। जो अपना फोन। सच में यार साहिल भाई मज़ा आ रहा है इधर यार, मन कर रहा है एक दो दिन इधर ही रुक लें। जी भाई, कैसा लग रहा है आपको हाजी अली दरगाह पर आने के बाद? क्या हाल मित्रों? अरे भाई क्या बात है यार, शिवा भाई के साथ आके मजा आ गया है भाई। शिवा भाई रो रहे थे आने के लिए पहले, पर मैंने बोला नहीं शिवा भाई आपको इतनी अच्छी जगह लेके चलता हूँ हाजी अली दरगाह, बहुत मजा आया है। साहिल भाई मजा आ रहा है? भाई बहुत मजा आ रहा है। लव यू यार, बहुत सुकून मिल रहा है यार यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। लुलु मुलु एंटरटेनमेंट की तरफ से ये एक ये लुलु मुलु एंटरटेनमेंट का मालिक है, ये पीछे वाला भी उनका ही मालिक है। वो सामने मुकेश अंबानी का घर है ये। तो मित्रों हाजी अली दरगाह घूम के आए हम लोग, और अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? अमिताभ सर के यहाँ। अच्छा, अमिताभ बच्चन के यहाँ पे। कर दिया आपने उनको? नहीं। हाँ कर दिया। क्या बोले वो? तो बोल रहे हैं कि मैं बाहर खड़ा हूँ। लड़ुआ दाद ज्यादा हो गया। तो मित्रों ये एक मजाक नहीं है, ये प्लीज मेरी शक्ल पे ना जाए। ये मैं ले रहा हूँ वीडियो में, फिर मत कहना क्या ले लिया। तो मित्रों ये मजाक नहीं है, कृपया मेरी शक्ल पे नहीं जाए। अभी मैं जा रहा हूँ अमिताभ बच्चन के घर पे। मैंने फोन किया है, वो बाहर खड़े हैं। हो सकता है बाहर ही मिल जाए, अंदर जाना ही नहीं पड़ेगा। बाहर से ही भगा देंगे। नहीं नहीं, अंदर चाय कॉफी तो होती है, वो तो करेंगे, भले आदमी है। मैं हमारे दोस्त हैं, जिगरी यार हैं। बाकी चलो चलते हैं उधर ही। मुझे डरा देते हो तुम। हाय मित्रों, क्या हाल? और अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं, सतीश कौशिक सर हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो बहुत जल्दी आने वाले हैं, उनका कॉल आ गया दो बार, तो उनके साथ भी एक मीटिंग है। हो सकता है कि मैं उन्हें ब्लॉग में ना इंक्लूड करूँ, सिर्फ फ़ोटो डालूँ, और नहीं करूँगा, ये थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी उनसे पहली मीटिंग है आज। तो यहाँ वो आने वाले हैं, और हिमानी मैम से भी एक मीटिंग है, हिमानी से पूरी। तो ब्लॉग में तो सब ऐड नहीं कर सकता, लेकिन जल्दी जल्दी दिखाना पड़ रहा है ब्लॉग में, क्योंकि जो काम है वो है ब्लॉग, कोई ऐसा प्रोफेशनली काम नहीं है मेरा, तो ये तो साइड से चलता रहेगा। ठीक है मित्रों, देखो फिर। तो ये देखिए सर आ गए हैं, सतीश मीटिंग है, हमारे साथ हैं डायरेक्टर राहुल खान। तो फाइनली अभी मेरी सतीश सर से जो है वो मीटिंग हो गई है, और एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। और एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ इस ब्लॉग में, कि मैं जिससे भी मिल रहा हूँ, मैं जिसे भी ब्लॉग में ऐड कर रहा हूँ, ये सिर्फ वही लोग हैं जिनके साथ मैं आगे काम करने वाला हूँ, या जिनके साथ मेरी टीम राहुल भाई या साहिल भाई ये लोग काम करने वाले हैं। मैं सिर्फ उनको ही ब्लॉग में ले रहा हूँ, मैं नाम भी नहीं ले रहा उनका कौन कौन है। तो बाकी एक बहुत मस्त सा इंसिडेंस हुआ है आज, कि सतीश सर आए थे तो स्पेशली हम लोगों से मिलने के लिए। तो ये लोग मिलते हैं फर्स्ट टाइम, कोई हाथ मिला रहा था, कोई नमस्कार कर रहा था, सब अपने अपने अंदाज में। मैंने जो किया वो सबसे डिफरेंट था, और वो बहुत ही मज़ेदार सीन था, वो राहुल भाई बताएंगे होटल में चल के।
और अभी हिमानी मैम आ रही हैं, पता नहीं क्यों लेट हो रही हैं, शायद उनकी डबिंग हो रही है, तो वो बोल रही हैं कि अभी जैसी डबिंग ख़त्म होती तब आती हैं। टाइम तो उन्होंने दिया था उससे एक घंटा ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, हम उनका वेट कर रहे हैं अभी, तो हमारे ब्लॉग में अभी बनी रहिए। हाँ तो मित्रों अभी हम लोग फ्री हो गए हैं जो भी हमारी मीटिंग वगैरह थी उससे, और आज ही मेरी कोशिश ये है कि अभी हम जा रहे हैं राजू भैया घर पे, यानी कि राजू श्रीवास्तव जी के यहाँ। उनकी तबीयत बहुत लंबे टाइम से ख़राब चल रही है, खड़ी हुई है उनकी पोर्च, ये हम उनके घर में एंट्री कर चुके हैं, हम लोग जा चुके हैं। ये राजू भैया का घर है, राजू भैया के घर पे हम लोग बैठे हुए हैं, डायरेक्टर राहुल खान और सिपा चौधरी। तो राजू भैया के पास अभी मिलने आए हैं कैलाश खेर जी, जो बॉलीवुड के एकदम लेजेंडरी सिंगर हैं। अभी उनसे भी मेरी निकलते वक्त मुलाकात हुई, तो वो अंदर बैठे हुए हैं। तो जैसे ही कैलाश खैर जी जाएंगे यहाँ से, फिर हम लोग मिलेंगे। राजू भैया का हाल चाल लिया, और फिर एक दीपू भाई के साथ फ़ोटो लिया है, वो फ़ोटो आप लोगों के सामने। ये पेश है, सिचुएशन ऐसी थी कि मैं ब्लॉग में ऐड नहीं किया उन सबको। तो भाई अभी हम लोग राजू भैया घर से आए, राजू श्रीवास्तव के घर से, और मुझे ऐसा मालूम नहीं था कि वो अभी भी कुछ बोलना ठीक नहीं है, अभी भी वो हॉस्पिटलाइज हैं, हॉस्पिटल में ही है। और मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये सब ठीक नहीं है। ये है कि हम लोग हिमानी मैम का वेट कर रहे थे, और फिर हमें ज़रूरी मीटिंग में कहीं और जाना था। अब हिमानी मैम को जो हमने लोकेशन दी थी वो वहाँ पे पहुँच चुकी हैं, और वो हमारा वेट कर रही हैं, और हम लोग हो गए हैं बहुत लेट, तो बहुत बुरा लग रहा है, मैम को वेट करना पड़ रहा है। अच्छा, हिमानी मैम खड़ गई हैं रोड पे बेचारी। ये लो हिमानी मैम मिल गए जी। तो हिमानी मैम के साथ जो हमारी मीटिंग थी वो भी हो गई, आज हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है, और अब हिमानी मैम जो है वो जा रही हैं, हम लोग भी निकल रहे हैं। हाँ तो फाइनली दोस्तों हम अपने होटल में पहुँच चुके हैं, और खाना पीना खा के बस लेटने जा रहे हैं, इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। पूरे दिन बहुत मस्ती की, बस एक जगह में थोड़ा इमोशनल टाइप का हो गया, राजू भाई के लिए, राजू श्रीवास्तव जी के लिए, इतने अच्छे कलाकार जिन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया, और उनके लिए बस आप सब लोगों से ही निवेदन करूँगा कि दुआ करें, राजू भाई बहुत जल्द ठीक हो के हम सब के बीच आएंगे, पूरा देश उन्हें मिस कर रहा है स्टेज पे। और वैसे तो उनका हालचाल पूरा देश जानना चाह रहा है, हमारी दुआ है कि बहुत जल्द ठीक हो के हमारा चाहता है। तो इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद पूरा देखने के लिए, और इसे शेयर करिए अगर पसंद आया तो।